केमिस्ट्री मंथन में आप सबका स्वागत है। बेसिक पार्ट एंड कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ डी ग्लूकोज इनटू डी मैनोज। डी ग्लूकोज का डी मैनोज में आपको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो देर आर टू मेथड्स, दो मेथड है जिसके द्वारा करते हैं। एक का नाम है एपीमराइजेशन, एपीमराइजेशन एपीमरीकरण। दूसरे मेथड का नाम है लॉबरी डी ब्राइन फॉन एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट ये दो मेथड है जिसके द्वारा डी ग्लूकोज को डी मैनोज में क्या कहता है बेटा जी, परिवर्तित किया जाता है। पहला है एपीमराइजेशन एपीमरीकरण, डी ग्लूकोज का डी मैनोज में परिवर्तन एपीमराइजेशन, और लॉबरी डी ब्राइन और एकेनस्टाइन रीअरेंजमेंट। ठीक है, दो मेथड के आधार पर करते हैं। एपीमरीकरण ये क्या होता है, एक एपीमर को दूसरे एपीमर में परिवर्तित करना है। एक एपीमर को दूसरे एपीमर में आपको क्या करना है, परिवर्तित करना है। एक एपीमर को दूसरे एपीमर में चेंज करना है, दूसरे एपीमर में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो ये परिवर्तन की जो विधि है इसे कहते हैं एपीमराइजेशन। ठीक है, अब पहले बात आपसे पूछा जाएगी एपीमर क्या होते हैं, पढ़ गए एपीमर तो देखिएगा एग्जांपल। इसका स्ट्रक्चर है, दिस इज डी ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर किसका बेटा जी, ये डी ग्लूकोज का है। देखिएगा कार्बन नंबर वन टू एंड इसको हमने रखा है यहां पर ऐसे OH, यहां पर हमने रखा ऐसे ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके सामने। ऐसे एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, इस पे देखिएगा कार्बन नंबर फोर। नंबर लिख दिया आप लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ए नंबर दिया आपने। ठीक है, आप देखिएगा दिस इज डी ग्लूकोज। इस कंपाउंड का नाम क्या है, डी ग्लूकोज है। दिस इज डी ग्लूकोज। कार्बन नंबर टू, इस कंपाउंड का नाम क्या है, डी मैनोज। इसका नाम क्या है, डी मैनोज। डी ग्लूकोज और डी मैनोज को देखिएगा। कार्बन नंबर टू का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज है। कार्बन नंबर टू में OH उधर है, इसमें OH इस साइड में है।
तो ये दोनों कॉन्फिगरेशन जब चेंज होते हैं, कौन से नंबर वाले कार्बन का है, C2, कौन से नंबर कार्बन का है, C2, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, C2 एपिमर। डी ग्लूकोज और डी मैनोज कौन से एपिमर होते हैं, C2। अब इसकी बात करते हैं 1, 2, 3 और 4 कार्बन नंबर 4 का कॉन्फिगरेशन देखिएगा, इसमें इसमें देखिएगा, इसमें दोनों में कार्बन नंबर 4 का कॉन्फिगरेशन वो है चेंज है, तो इनको बोलते हैं C4 एपिमर। क्या बोलते हैं इनको बेटा जी, C4 एपिमर। कार्बन नंबर 4 का कॉन्फिगरेशन होता है चेंज होता है, इसे निकाला जाता है C4 एपिमर, C4 एपिमर। अब होते क्या है एपिमर, एपिमर किसे कहते हैं, ऐसे डाइस्टर आइसोमर, ऐसे डाइस्टर आइसोमर, ऐसे विप्रिम समावयवी जिनमें एक कार्बन के अलावा, एक कार्बन को छोड़कर बाकी सभी कार्बन का विन्यास समान होता है, एक कार्बन को छोड़कर बाकी सभी कार्बन का विन्यास क्या होता है, समान होता है, ठीक है। एपिमर उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें एक से ज्यादा का, एक से अधिक क्रिया कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, तो एक क्रिया कार्बन को छोड़कर, एक क्रिया कार्बन को छोड़कर बाकी अन्य क्रिया कार्बन का कॉन्फिगरेशन सेम होता है, उन्हें कहा जाता है एपिमर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, विभ्रम समावयवी होते हैं, ये क्या होते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर होते हैं, ये क्या होते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर होते हैं, विभ्रम समावयवी होते हैं, एक कार्बन के अलावा बाकी सभी कार्बन, बाकी सभी त्रिय कार्बन का विन्यास समान होता है, उन्हें कहा जाता है एपिमर। इसमें देखिएगा कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 4 पे ओवच इधर है, इसमें ओवच इधर है, तो ये कौन से एपिमर कहलाते हैं, ये C4 एपिमर कहलाते हैं, C4 एपिमर, ठीक है। ये कौन से एपिमर है, डी ग्लूकोज एंड डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, इसका नाम है डी गैलेक्टोज, ठीक है। ये कौन से है, डी ग्लूकोज होगी, कौन सा, डी गैलेक्टोज, तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज कौन से एपिमर होंगे, C4, और डी ग्लूकोज और डी मोनोज कौन से एपिमर होंगे बेटा जी, C2 एपिमर। तो एक एपिमर को दूसरे एपिमर में आपको चेंज करना है, तो जो विधि कहलाती है उसे क्या कहते हैं, एपिमराइजेशन, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन किसमें करना है, डी ग्लूकोज को डी मैनोज के साथ कन्वर्जन करना है, ये हमें पढ़ना है। एपिमर समझ में आया, ऐसे विभ्रम समावयवी जिनमें एक क्रियल कार्बन को छोड़कर बाकी अन्य क्रियल कार्बन का कॉन्फिगरेशन सेम होता है, उन्हें डाइस्टीरियो उन्हें एपिमर कहते हैं, ठीक है। जैसे डी ग्लूकोज और डी मैनोज आपस में C2 एपिमर है, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आपस में C4 एपिमर होते हैं। अब हमें मेथड पढ़ना है, कैसे चेंज होता है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। देखिएगा किस तरह से चेंज करते हैं, इस चीज को पढ़ना है। डी ग्लूकोज को आपको डी मैनोज में बदलना है, हाउ दे चेंज देखिएगा। सबसे पहले आपने लिखा डी ग्लूकोज, केवल कार्बन नंबर एक का कॉन्फिगरेशन चेंज है बस, तो उसी को लिखिएगा, बाकी को आप नहीं लिख सकते, नहीं मत लिखिएगा, बाकी को ऐसे लिखिएगा COH-OH का होल थ्राइव CH2OH, दिस इज डी ग्लूकोज, ये कौन है, डी ग्लूकोज है। कार्बन नंबर 2 का कॉन्फिगरेशन क्या है, वो चेंज है, ठीक है, डी ग्लूकोज। सबसे पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करेगा तो बनाएगा COH डबल बॉन्ड O, COH H, CHOH का होल थ्राइस CH2OH, इसको बोलते हैं डी ग्लूकोनिक एसिड, डी ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है डी ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कैसे रिएक्शन होती है, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इधर, ये बॉन्ड शिफ्ट है इधर, कार्बन इनटू इनोलिक फॉर्म, इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है, COH डबल बॉन्ड COH
दिस इज इनोलिक फॉर्म। ठीक है सर, ये कौन सी फॉर्म होती है? इनोलिक फॉर्म होती है। इस इनोलिक फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है इसकी प्रेजेंस में पिरिडीन और एसिटिक एसिड, पिरिडीन और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में दिस ग्रुप ट्रांसफर टू हियर। ठीक है, एच ओ एच सी ओ एच डबल बॉन्ड सी ओ एच। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आगे देखिएगा, ये इधर, ये इधर। ठीक है, तो क्या बनेगा वो एच ओ एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी। एच कहा जाएगा इसके ऊपर ओ एच, बाकी एंटिटी जैसे कैसे लिखना है सी एच ओ एच का होल थ्राइस सी एच टू एच। ठीक है, दिस इज डी मैनोनिक एसिड्स, ये डी ग्लूकोनिक एसिड था, डी मैनोनिक एसिड्स। मैनोनिक एसिड्स आगे इसकी क्रिएशन होती है, देखिए आगे कराते हैं इसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एच टू। तो यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा, एच टू क्या निकलेगा माइनस का एच टू, और एक H कहां चले जाएगा इसके पास, तो बनेगा एच सी डबल बोन ओ सी ओ एच, एच सी एच ओ एच का होल थ्राइस सी एच टू ओ एच। दिस इज डी मैनोज, ये कौन था डी ग्लूकोज, ये कौन है डी मैनोज। तो डी ग्लूकोज को डी मैनोज में परिवर्तित करने की विधि का नाम है एपिमराइजेशन। ठीक है सर, दिस इज नोन एज एपिमराइजेशन, डी ग्लूकोज कन्वर्ट टू डी मैनोज एपिमराइजेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट मेथड का नाम देखिएगा लॉगरिथमिक ब्रांड वॉन एगेंस्टाइन रीअरेंजमेंट, इसी नाम से आएगा एग्जाम में, नाम आपको याद नहीं रखना है, आपको रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है उस पर फोकस करना है। लॉगरिथमिक डी ब्रांड वॉन एगेंस्टाइन रीअरेंजमेंट क्या होता है, देखिएगा दूसरा मेथड देखिएगा लॉगरिथमिक डी ब्रांड वॉन एगेंस्टाइन रीअरेंजमेंट। दूसरे मेथड का नाम क्या है लॉगरिथमिक डी ब्रांड वॉन एगेंस्टाइन रीअरेंजमेंट, ये क्या होता है डी ग्लूकोज डी मैनोज एंड डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज डी मैनोज और डी फ्रक्टोज आपस में तनु क्षार की उपस्थिति में, आपस में किसकी तनु की उपस्थिति में डायलूट बेस OH- और OH- की प्रेजेंस में क्या होते हैं परिवर्तित होते रहते हैं डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज तथा डी मैनोज में आपस में साम्य बना रहता है और ये तनु क्षार की उपस्थिति में एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो इनके जो परिवर्तन की विधि है जिसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे लॉगरिथमिक ब्रांड ऑफ कंस्टेंट रीअरेंजमेंट, अर्थात डी ग्लूकोज से डी मैनोज बना दो या डी ग्लूकोज से डी फ्रक्टोज बना दो, इस विधि के इसके अंदर अगर अध्ययन करते हैं लॉगरिथमिक डी ब्रांड वॉन एगेंस्टाइन रीअरेंजमेंट के अंदर करते हैं डी ग्लूकोज डी मैनोज और डी फ्रक्टोज आपस में तनु क्षार की उपस्थिति में साम्यावस्था में रहते हैं। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वाली बात करते हैं अपन डी ग्लूकोज का आपको कन्वर्जन करना है, डी ग्लूकोज का आपको कन्वर्जन करना है किसमें डी मैनोज में। देखिएगा डी ग्लूकोज कन्वर्टेड मैनोज, हमारा है उद्देश्य डी ग्लूकोज किसमें चेंज होगा डी
मेनोज में। वाया किसके द्वारा कन्वर्ट होगा? वाया, तो ये होता है इनोलेट्स के द्वारा, इनोलेट्स आयन द्वारा। किसके द्वारा कन्वर्ट होता है? वाया इनोलेट्स आयन के द्वारा कन्वर्ट होता है, वाया इनोलेट्स आयन। देखिएगा स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करें, स्टेप नंबर फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट साइन का बनना कैसे बनेगा? इनोलेट साइन पहले देखिएगा, CH OH ऑथराइज CH2OH, ठीक है सर। इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस आपने लिया OH माइनस, ठीक है, बेस आपने क्या लिया? OH माइनस लिया। जैसे OH माइनस लोगे यहां पर कैसे चला जाएगा? नेगेटिव, क्यों? ये निकल जाएगा यहां से H OH, इससे रिएक्शन करके निकल जाएगा H2O, और ये एज इट इज ऐसे के ऐसे OH का होल थ्राइस CH2OH, ये मूव उधर करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा C नेगेटिव एच डबल बोन सी ओ एच ठीक है। इनोलेट्स, इनोलेट्स डबल बोन भी है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी, इनोलेट्स इन डबल बोन और ऑक्सीजन पे कैसे चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, डबल बोन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनोलेट्स आयन कहेंगे। दिस इज इनोलेट साइंस, ठीक है बेटा जी, इसको हम क्या कहेंगे? इनोलेट्स आयन कहेंगे। अब सेकंड स्टेप में देखिएगा, स्टेप सेकंड क्या होगा? ये स्टेप सेकंड है, इसे स्टेप सेकंड का रोल जो इनोलेट साइन बनता है उस पर स्टेप सेकंड में अटैक होता है। तो देखिए हम इसको लिखते हैं, ये स्टेप सेकंड का जो बना है पहले वाला एच सी ऐसे लिखिएगा बीच में एच सी डबल बॉन्ड ओ सी नेगेटिव ओ एच सी एच ओ एच थ्री में लिखा है, ठीक है। अब इस पर अटैक कराते हैं H प्लस आयन का, एक तो इस साइड से अटैक होगा H प्लस आयन, एक इस साइड से अटैक कराते हैं H प्लस आयन का, वो दो साइड से। अगर इस साइड से अटैक होगा इस साइड से तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट? ये बनेगा H C O C O H H C H O H का फोर थ्राइज C H टू O H, डी ग्लूकोज बन जाएगा। और अगर इस साइड से अटैक होगा दिस साइड तो ये OH इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये OH कहां चला जाएगा? इधर। इस तरह अटैक होगा एच सी सी ओ एच एच सी एच ओ एच का होल थ्राइस सी एच टू ओ एच, इसको बोलेंगे डी मैनोज। बोलेंगे इसको डी मैनोज, क्या होगा? डी ग्लूकोज। दिस इज द लोबडी वेट कंस्टेंट अरेंजमेंट के अंदर पहला स्टेप है डी ग्लूकोज से डी मैनोज बनाना, ठीक है बेटा जी। ये हमने क्या पढ़ा है? डी ग्लूकोज से डी मैनोज बनाने का मेथड पढ़ा है, ठीक है। अब हम आगे आपको पढ़ाएंगे दूसरा वाला। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट साइन, स्टेप सेकंड में एच प्लस के अटैक करेंगे तो डी मैनोज बनेगा। अब दूसरा है डी ग्लूकोज को डी फ्रेक्टोज में बदलना सिखा देते हैं, डी ग्लूकोज को डी फ्रेक्टोज में, डी ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू डी फ्रेक्टोज वाया इनडायोल, वाया इनडायोल, इनडायोल के द्वारा कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड भी होगा OH समूह भी होंगे। देखिएगा कैसे होगा,
ये देखिएगा, पहला स्टेप यही रहेगा, स्टेप नंबर फर्स्ट यही रहेगा, बस इसको आगे नाम चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इन डायपोल, फॉर्मेशन ऑफ इन डायपोल यही रहेगा पहला स्टेप। OH- के साथ रिएक्शंस होगा, ये बनेगा, फिर इसके आगे रिएक्शंस, ये जो कंपाउंड होता है इसकी रिएक्शंस आगे होती है H+ के साथ, तो H+ यहां जुड़ जाएगा HCOH डबल बॉन्ड COH CH OH का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं इन डायोड, क्या बोला जाता है इसको, इन डबल बॉन्ड और OH भी है इसको बोला जाता है इन डायोड बोला जाता है। फिर देखिएगा आगे इसकी रिएक्शन होती है, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इन डायोड्स, नाउ सेकंड स्टेप, अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड ये जो बना है इन डायोड, इसकी रिएक्शन होती है आगे जाके HCOH डबल बॉन्ड COH CHOH का होल थ्राइस OH, इस इन डायोड, इसको हमने ऐसे लिखा है समझने के लिए, ठीक है इस तरह से लिखा है। आगे देखिएगा ये बॉन्ड शिफ्ट इधर होगा और ये बॉन्ड शिफ्ट कहां पर होगा, इधर, ठीक है ये बॉन्ड शिफ्ट यहां पर होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये कहां चला जाएगा इसके पास, तो क्या बनेगा CH2OH, और ये क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा CHOH का होल थ्राइज CH2OH, दिस इज डिफ्रेक्टोज, ठीक है। तो इन डायोल के द्वारा तो आप क्या बना सकते हो डिफ्रेक्टोज, तो हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है एपिमराइजेशन एंड लॉपरी डेवानिक एसिड डिरेंजमेंट, ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन करने की विधि पढ़ी है। थैंक यू।